Assalamu alaikum, this is Shaista Mesul. Today I am going to explain the topic preposition. So what is preposition? Preposition is a word that indicates and explains the relationship between noun, pronoun and verb. जो लफ्ज़ किसी नॉन या प्रोनाउन से पहले आकर इसका ताल्लुक किसी दूसरे नॉन प्रोनाउन या वर्ब से कर दे, यानी इसम, इसम ज़मीर और फेल से कर दे, तो इसे उर्दू में हरफ जार और इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। बिटवीन दो के लिए इस्तेमाल होता है जबकि एमंग दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिटवीन यू एंड मी आई डिसलाइक फहद, मेरे और आपके दरमियान में फहद को नापसंद करती हूँ। हिज फोर सन्स अलवेज क्वारल अमंग देमसेल्स, उनके चारों बेटे हमेशा आपस में लड़ते हैं। यहाँ पे एमंग्स को देखें जो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह द मैंगो फेल अपॉन द हेड ऑफ द गार्डनर्स, आम माली के सर पर गिरा, यहाँ पे अपॉन प्रीपोजिशन है। इसी तरह रेशमा सेट ऑन ए चेयर, रेशमा कुर्सी पर बैठी, यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन है। और इसी तरह द गार्ड इज ऑन ड्यूटी, गार्ड ड्यूटी पर है। नोट, एक बात याद रखें कि फर को क्वांटिटी ऑफ टाइम यानी मुद्दत वक़्त के लिए और सेंस को पॉइंट ऑफ टाइम यानी मुआयन वक़्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ बीन स्टेइंग हियर फॉर 7 days, वो यहाँ 7 दिन से ठहरी हुई हैं। यहाँ पर फर प्रीपोजिशन है जो कि क्वांटिटी ऑफ टाइम के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और अमरीन हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फियर सिंस संडे, अमरीन संडे से बुखार में मुब्तला है। यहाँ पे सेंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, ऑफ और ओ डबल ऑफ में फ़र्क। अमूमन ऑफ, ओ एफ ऑफ जो है वो वास्ता और ज़रिया के मानों में इस्तेमाल होते हैं, और ओ डबल एफ ऑफ अलग होने और जुदा होने के मानों में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कम्स ऑफ ए पोअर फैमिली, वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। अहमद फेल ऑफ द हॉर्स, अहमद घोड़े से गिर गया।